इंक रिमूवर जो हमने बनाया था, अब इसको एक ये वाइट शर्ट है स्कूल की, उसके ऊपर थोड़ा सा हम इंक गिरा के और इसकी कोशिश करते हैं आपको दिखाने की कि ये काम कैसे करेगा ये। जी ये, अब ये एक दाग है, इस पे ये इंक रिमूवर स्टैंड रिमूवर इसको अप्लाई कर देते हैं और थोड़ी सी इसकी सॉकिंग करनी पड़ेगी, रबिंग करके इसकी सॉकिंग करके छोड़ देंगे, थोड़ा ब्रश से अप्लाई कर लेते हैं। जी इसकी सिंपल अब हमने फ्रेश वाटर से इसको फ्लश कर दिया, फैल जाएगा वो। और दूसरा ये है कि किसी भी वॉश से पहले स्टैंड रिमूवर इस पर लगाएं, ये अब आपको नजर आ रहा है बिल्कुल क्लियर, इस पॉइंट पे हमने लगाया था ये जहां अगर मेरा ये थंब नजर आ रहा है रिमूवर की, इस पॉइंट ये फॉर्मुलेशन है ये, बल्कि मल्टीपर्पज यूज में आप ला सकते हैं, ये इंक रिमूविंग के लिए भी काम देगी आपको। और सिमिलरली डीग्रीसिंग, अगर आपने ओवन क्लीन करना है, किचन का चूल्हा क्लीन करना है, या किचन की सरफेस या घर का फ्लोर जिसके ऊपर ऑयल वगैरह गिरता रहता है, तो उसकी क्लीनिंग के लिए ये एक मल्टीपर्पज़ क्लीनर के तौर पे आपको एक हम फॉर्मुलेशन दे देते हैं। और इसमें ये कि आप स्टैंड रिमूविंग के तौर पे भी फैब्रिक पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इंक रिमूविंग के तौर पे भी। तो ये स्टेप्स सारे आपके सामने इंशाल्लाह हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। पानी हमने 500 ml लिया और उसमें 50 ग्राम जो है वो स्टीरिक एसिड डाल के 50 ग्राम अभी इसको हम मेल्ट कर देंगे। जी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट स्टीरिक एसिड इसमें डिजॉल्व हो गया, बोरेक्स इसके अंदर हम ऐड करेंगे जस्ट 2 ग्राम। ये 2 ग्राम बोरेक्स, जी 100 ग्राम लैप्सा इसके अंदर अब हम डालेंगे, 96% लैप्सा 100 ग्राम, ये इसमें डाल के इसको भी मिक्स कर दें। जी नेक्स्ट इसके अंदर प्रोपाइलीन ग्लाइकोल 10 ग्राम वो डाला। जी NP9 इसमें 5 ग्राम, 5 ग्राम NP9। थ्री ग्राम इसमें सोडियम परबोरेट, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सोडियम परबोरेट। और लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है वो ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड इसके अंदर हमने 50 ग्राम डालना है, ये 50 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड। जी ये प्रोडक्ट बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है हमारा और आप महसूस कर रहे हैं हाईली थिक प्रोडक्ट। इसको स्टेन रिमूविंग के लिए आप थोड़ी सी क्वांटिटी नीट लगा के रबिंग करके पानी से इसको वॉश कर सकते हैं, और अगर फर्श के ऊपर या ओवन के ऊपर के किचन के किचन टॉप्स के ऊपर अगर यूज़ करना है तो नीट थोड़ा सा यूज़ करके उसको स्प्रेड करें, और उसके बाद वाटर जेट्स उसके ऊपर दी जा सकते हैं वाटर बॉटल से, स्प्रे बॉटल से। और ये बिल्कुल बेहतरीन ज़बरदस्त प्रोडक्ट आपके सामने, और इसको कॉन्फिडेंस के साथ इस्तेमाल करें, अपनी फॉर्मुलेशन अपने बिजनेस के अंदर लेके आएं। इंक रिमूवर जो हमने बनाया था, अब इसको एक ये वाइट शर्ट है स्कूल की, उसके ऊपर थोड़ा सा हम इंक गिरा के और
इसकी कोशिश करते हैं आपको दिखाने की कि ये काम कैसे करेगा। ये जी ये इंक इसमें गिर गई, इसको पहले किसी टिश्यू से एक्स्ट्रा को हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जी इसको जो एक्स्ट्रा इंक है उसको हम अब एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और अब ये एक दाग है, इस पे ये इंक रिमूवर स्टैंड रिमूवर इसको अप्लाई कर देते हैं। और थोड़ी सी इसकी सॉकिंग करनी पड़ेगी, रबिंग करके इसकी सॉकिंग करके छोड़ देंगे और उसके बाद इसको फिर हम दोबारा अप्लाई करेंगे। जी इसको थोड़ा ब्रश से अप्लाई कर लेते हैं और कोशिश करेंगे कि फैब्रिक पे इसको ज़्यादा ना करें, क्योंकि अभी देखें इसने इंक को डाइल्यूट तो किया है, जितना हम इसको फैलाएंगे उतना कपड़े पे ये फैलता जाएगा। तो लिहाजा इसको ऐसे पकड़ के अगर हम ये अप्लाई कर लें, जी अब इसको थोड़ी देर के लिए इसमें सोकिंग कर लेते हैं पानी के अंदर, इसको इतने से पार्ट को। और एहतियातन थोड़ा सा इसमें भी डाल के इसको 10 मिनट तक अगर हम सोकिंग के लिए ऐसे छोड़ दें, 10 मिनट के लिए सोकिंग का कहा था, लेकिन ये जस्ट आफ्टर 2 मिनट्स बल्कि हाफ एंड हाफ 1.5 मिनट हमें ये, अभी आपको इसको दिखा देते हैं। अभी पानी से हमने इसको रेंज नहीं किया, थोड़ी सी हैंड रबिंग भी इसमें हम कर लेते हैं। ये हैंड रबिंग, और अब इसको जाके फ्रेश वाटर टैप के नीचे इसकी फ्लशिंग करके आपको फाइनल दिखा देते हैं। जी इसकी सिंपल अब हमने फ्रेश वाटर से इसको फ्लश कर दिया, और बस इसमें क्या सिर्फ ये करनी होती है कि जितने से पार्ट पे अगर स्टैन मौजूद है इंक वगैरह का कॉफ़ी का, उसको उसके ऊपर ही बिछाएं। ज़्यादा अगर आप करेंगे तो फैब्रिक में वो फैल जाएगा वो। और दूसरा ये है कि किसी भी वॉश से पहले स्टैन रिमूवर इस पर लगाएं। ये अब आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल क्लियर, इस पॉइंट पे हमने लगाया था, ये जहाँ अगर मेरा ये थंब नज़र आ रहा है, इस पॉइंट पे हमने इंक हमने खुद गिराई थी और ये उसको वॉश करके आपको दिखा दिया। तो हम ये कह रहे थे कि किसी भी किस्म की वॉशिंग लॉन्ड्री में वॉशिंग मशीन में डालने से पहले इसके ऊपर आप ये इंक रिमूवर स्टैंड रिमूवर अप्लाई करें। और ये स्टैंड रिमूवर जैसे हमने पहले भी बताया कि ये मल्टीपर्पज़ है, आप किचन की शेल्फ उसके ऊपर कोई ऑयल है, खाने के कोई दाग हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं, उनसे ही आप स्टैंड रिमूविंग कर सकते हैं। फ्लोर के ऊपर कुछ ऐसा है, फैब्रिक के ऊपर है, और ओवन और किचन के चूल्हे वगैरह जो हैं उनके ऊपर ग्रीसिंग अगर आ गई है तो उसके लिए ये बेहतरीन किस्म का स्टैंड रिमूवर इंक रिमूवर, इसकी फॉर्मूलेशन आपके सामने आ गई स्टेप्स। जी जनाब आपको वाइट शर्ट के ऊपर हमने अपना स्टैंड रिमूवर जो है वो अप्लाई करके दिखाया। अभी ये एक कलर्ड फैब्रिक हम ले रहे हैं, ये बेसिकली ये जो हमारी फॉर्मूलेशन है ये कलर्ड जो फैब्रिक हैं उनका ब्लीच भी है ये। इसके अंदर आपको स्टेप्स में सारी चीज़ें जैसे देख भी रही हैं, जो हमने आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाए हैं उसमें हमने सोडियम हाइपोक्लोराइड नहीं इस्तेमाल किया, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो हमने इस्तेमाल नहीं किया हुआ, और सोडियम परबोरेट इस्तेमाल किया गया है, ऑक्सैलिक एसिड इस्तेमाल किया गया है, जिससे कलर्स जो हैं वो भी फेड नहीं होते। तो अभी एक इंक थोड़ी सी इस पर भी अप्लाई कर लेते हैं और द सेम जो स्टेप्स हैं उसको इस पर भी हम आपको करके दिखा देते हैं। ये आपको ये इंक नज़र आ रही है, ये इंक, और इसको भी हम इसके ऊपर अभी
अप्लाई कर लेते हैं अपना स्टेन रिमूवर। ब्रश के साथ इसको लास्ट हमने दो मिनट डेढ़ मिनट में ही हमने निकाल लिया था। इसको भी देख लेते हैं थोड़ी सी क्वांटिटी, और इसमें पानी में भी ऐड कर ली। जी ये इंक बड़े आराम से एक्सट्रैक्ट हो गई फैब्रिक के अंदर से, और थोड़ी सी इसकी हैंड रबिंग भी कर लेते हैं। कुछ मेरे हाथों के साथ भी लग गए हुए हैं। एनी हो, जी इसकी सोकिंग के लिए थोड़ी देर इसको छोड़ देते हैं। जी इसको भी हमने बिल्कुल एक दो मिनट के बाद ही देख लिया, तो चूंकि ये बिल्कुल निकल चुका था तो हमें ज़्यादा इसको सोकिंग की ज़रूरत नहीं थी। अगर कोई ज़िदीदा हो तो आप सोकिंग टाइम बढ़ा सकते हैं, भिगो के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अभी हमें महसूस हो रहा है कि ये फैब्रिक बिल्कुल क्लियर हो गया और इसने अपना कलर बिल्कुल नहीं छोड़ा। अभी इसको वॉश करके भी आपको दिखा देते हैं। जी इसकी सिंपल पानी से ब्रशिंग कर लें, और कलर्ड फैब्रिक्स, उसका ब्लीच, स्टैन रिमूवर, इंक रिमूवर, कॉफ़ी रिमूवर और ये बिल्कुल आपको अब कहीं भी कोई दाग नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल इस जगह पे हमने ये अप्लाई किया था, यहाँ पे इस जगह पे अप्लाई किया था, ये जगह, और ये बिल्कुल आपको बिल्कुल क्लियर लग रहा है। और इसने बिल्कुल कपड़े को कलर भी बिल्कुल चेंज नहीं किया। तो कलर्ड फैब्रिक्स के लिए भी बेहतरीन ब्लीच, बेहतरीन स्टैन रिमूवर, इंक रिमूवर, कॉन्फिडेंस के साथ इसको घर के इस्तेमाल में भी लेके आएँ और कमर्शियल फार्मूले के तौर पे भी इसको प्रमोट करें, डेवलप करें। शुक्रिया।